नमस्कार, आपने लॉग इन किया हुआ है वन इंडिया हिंदी। भारत बनाम अफगानिस्तान एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच है। सालों से अफगानिस्तान आतंकवाद की चपेट में था, लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने कम रिसोर्सेज के चलते भी विश्व क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ दी है, वो एक सराहनीय काम है। और आज का दिन भी अफगानिस्तान के देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि आज उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला है। ये टेस्ट मैच उनके लिए काफी खास रहा, क्योंकि ये टेस्ट मैच वो भारत जैसी बड़ी और जुझारू टीम के साथ खेल रहे हैं। हालांकि इस मैच में अफगानिस्तान की शुरुआत काफी खराब रही। टॉस भारत के पाले में गिरा और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, और उसके बाद शिखर धवन और मुरली विजय ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया। हालांकि अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने कोशिश बहुत ज्यादा करी, लेकिन वो ना तो शिखर धवन और ना ही मुरली विजय का विकेट चटका पाए, और लंच तक भारत एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही लंच के बाद भारत और अफगानिस्तान एक बार फिर भिड़ंत करने के लिए बैंगलोर के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में पहुंचा, तो वहां पर 10 रन के बाद ही भारत का पहला विकेट गिर गया, और ये अफगानिस्तान की टीम की टेस्ट करियर का पहला विकेट था। और ये विकेट उनको दिलवाया उनके तेज गेंदबाज यामिन अहमदजाई ने। अहमदजाई की एक बाहर जाती गेंद को शिखर धवन कट करना चाहते थे, लेकिन बॉल बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सेकंड स्लिप की तरफ चली गई, लेकिन वहां पर सेकंड स्लिप के हाथों से भी ये कैच छूट गया। लेकिन भला हो मोहम्मद नबी का, जो कि फर्स्ट स्लिप पर खड़े थे, और उन्होंने ये कैच पकड़कर अफगानिस्तान को पहला विकेट दिलवा दिया। तो अफगानिस्तान की टीम का पहला इंटरनेशनल टेस्ट विकेट रहा शिखर धवन के रूप में, जो कि उनके तेज गेंदबाज यामिन अहमदजाई ने अपनी टीम को दिलवाया। लेकिन उसके बाद मुरली विजय और केएल राहुल एक अच्छी पारी खेल रहे हैं भारत के लिए। हालांकि मैच बारिश के बाद एक बार फिर शुरू जरूर हुआ, लेकिन फिर से एक बार बारिश आ गई है मैच में, और मैच को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है, और वहां पर मुरली विजय अपने शतक से मात्र एक रन दूर हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लॉग ऑन करें oneindiahindi.com पे, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ वन इंडिया हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब करें।